Look, hey, why do I know that my time coming up? Out of my mind, all my time ain't enough. Say to my grind many times, I was stuck. Had to wax the rail, rip a tray out like I'm young, cause I am in the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all, life's change, uh-huh. Hate them all cause I'm up and I don't even fly that, but I'm here. I see rappers lying, dark goals, high beams. I know they hiding, but what you hiding from? You trying to run, you know I'm about to grill your ass. Hey, look, know it's my time, you must all not rise. You was on my time when I riding a beat. Manipulate time like you do with they minds. I'm sick and tired of the lies that you preach. Only up I climb, I'ma leave y'all down. I can show y'all how, like the birds and the bees. Everybody tryna stunt, like they know the fuck is up. I know everybody stuck to a certain degree. They all hide it, that ain't something I'm with. Always keep it 10 toes, and if I choke up, I'm licking motions. Throw me to this paper, ayy. See you later, shouldn't waste time with you goofies. But ooh, I fucking hate now you. Now what you hiding from? You trying to run. Ooh. You know I'm about to grill your ass. Hey, boy, you tripping like a blind man. You can't see how you think you can fly past my wide wings. Try to wriggle down with you, that's fine by me. Only drip you ever had when they provide IVs. Ain't a doctor, got my dagger in a life, little man. Asking like I care about the price, little man. AK, how you did it, had a dice in my hand. Throw what I knew, I was against what y'all saying. And over my head, the ones that's with me solid. Rocks that I've been leaning on to keep me up and climb. मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? सो आज हमारा 5th डे, एंड अभी हम लोग ने थोड़ा ग्रुप वगैरह डिवाइड कर लिया है कि कुछ लोग जा रहे हैं उमलिंगला साइड हानले वगैरह, और कुछ लोग जा रहे हैं नूबरा। सो मैं नूबरा जा रहा हूँ बाकी सबके साथ। मेरे साथ कौन कौन जा रहा है? मेरे साथ जा रहा है लॉरेंस, ये बाइक जा रही है, ये बाइक जा रही है लॉरेंस की, करण की, विनोद भाई की, राहुल की, रॉक्सी और मेरी। तो इन बाइकों में पिलियन जो हमारे साथ है, बॉबी और शशि हमारे साथ जाएंगे। और यहाँ पे ये क्या रे जेट उड़ता रहता है सुबह सुबह, अभी कहीं दिखे मेरे को सामने तो दिखाता हूँ। बाकी ओवरऑल अब सामान हमने कुछ इस तरीके से मान लिया, ये इस पे 2 बैग है, इस पे 2 बैग है, पिलियन मैं और रॉक्सन और मैं पिलियन बिठा रहे हैं, उसके बाद बॉबी बैठेगा मेरे साथ, शशि बैठ रहा है, और बाकी जो ये लोग हैं प्रभाकर भाई, साइमन की भाई और मार्कस की भाई, ये तीन बाइकें जा रही है उमलिंगला साइड। सो ये लोग यहाँ से नूबरा से कट जाएंगे पैंगोंग की तरफ, एंड इनके साथ 2 पिलियन जा रहे हैं, क्रिस्टोफर और ये सब। तो देखते हैं हम लोग इन बाद में मिलते हैं या नहीं मिलते, क्योंकि मे बी आगे जाके हम लोग एक चीज़ शायद हो सकता है मिलते हैं, बट अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर पैकिंग वगैरह चल रहा है। वैसे हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, मैं टाइम अगर आपको भी दिखाऊँ 10 बज गया है, पता नहीं कब जाएंगे। अभी खार दुंगला भी करना है, हमें बहुत कुछ करना है, आगे नूबरा तक जाना है, 5-5.5 घंटे का रास्ता, देखते हैं कब कवर हुआ, कब तक पहुँचते हैं। सो फिलहाल अभी हम लोग हैं यहाँ पे जावा होटल में, एक्चुअली आपको बोर्ड दिखाऊंगा, ये रहे इनका बोर्ड और ये रहे इनके नंबर, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो भैया को, ठीक है। सो होटल रूम्स में एक बार आपको दिखा देता हूँ, होटल कुछ ऐसा है अपना, एक रूम ये था जिसमें मैं सो रहा था, करण और प्रभाकर, ये रूम है, ये बड़ा रूम है, यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, एंड वॉशरूम। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम लोग थे जावा होटल के अंदर, और हमारे साथ है अमर भाई। अमर भाई अपना नंबर बताओ सबसे पहले तो। 9622990717। सो गाइस भाई ने नंबर बता दिया, फिलहाल क्यों यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा होगा, आप लोग को जब भी ले आना है भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फ़ोन करो आने से पहले, जो भी रहेगा भाई आपको अच्छी सर्विस देंगे। यहाँ पे हम लोग भी बड़े अच्छे से रुक के गए हैं, एंड जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह भाई को जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो अमर भाई है, ठीक है, हम लोग भी यहीं पे सारे रुके थे और काफ़ी अच्छी सर्विस हम लोग को इनकी तरफ से मिली है, तो आप इनको ज़रूर कांटेक्ट करना। होटल में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है। तो आगे अब बस हम निकल रहे हैं खारदुंगला की तरफ। ले में जो भी कुछ किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, परमिट से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, वो आपको अमर भाई हमारे करा के दे देंगे। बिल्कुल भाई, ठीक है, और पैकेज बना के देते हैं आपको दिल्ली से लेके ले पूरा घुमाने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल भाई, हमारे अमर भाई सिर्फ होटल ही नहीं, आपको अच्छी तरीके से ट्रैवल वगैरह भी करा देंगे। अगर आप लोग यहाँ के लिए भी नया नहीं जा पता तो भाई आपको अच्छी तरीके से आपको घुमा देंगे एज अ गाइड, और सब चीज़ें आप इनसे
पूछ सकते हो ले से रिलेटेड, ठीक है? देख सकते हो आप लोग। तो गाइस ले से हम नजारे गाइस, अभी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। रोड पे मिट्टी पड़ी थी और एकदम कर्व पे थी, वहीं रुक के हम लोग कुछ बातचीत करने लग गए थे और जैसे ही मैं आगे बढ़ा वो मिट्टी इतनी सारी थी कि बाइक थोड़ी में डिसबैलेंस हुई, खड़ी खड़ी बाइक गिरी। लेकिन यार खड़ी बाइक गिरने से एक नुकसान हो गया जो कि है मेरा, मेरे पैर का फुटपैक जो होता है वो टूट गया और अब हम शायद वापस जाएंगे। तो उससे पहले आगे की बात करें, एक ये देख लो अभी हम लोग है 13,000 फीट की ऊंचाई पे एंड अभी खारदुंगला है और बहुत 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 आगे, तो देखते कब पहुँचते। तो वैसे ये चढ़ाई है काफ़ी स्टीप हो रही है, लेट्स सी। अब यार यहाँ फुट पैक ही नहीं, मेरे को इतना हीट सा लग रहा है ना पैर को। ओहो, तो अभी फ़िलहाल हम लोग ने ही सोचा कि यार अब नूबरा अब्दुल लोग जो जा रहे थे वहाँ नहीं जाएंगे, उसके अलावा हम लोग वापस यहीं आ जाएंगे खारदुंगला करके, क्योंकि एक तो वैसे ही हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, प्लस अभी हमें ये काम भी कराना पड़ेगा। कहीं अच्छा किसी को नहीं लगी ना, मेरे को लगी ना किसी को कुछ लगी, हम लोग एकदम फिट एंड फाइन है। बस ये यार है कि छोटी छोटी चीज़ें आती है ना, बड़ा दिमाग खराब होता है। अब बस आई होप हम टाइम से वहाँ से वापस आके अपना फुट पैक लगवा ले और निकल जाए। अरे यार तो फुट पैक भी नहीं है ना। तो गाइस हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, बर्फ़ के पहाड़ और ज़्यादा क्लियर हो गए और बहुत ज़्यादा दिखने लग गए अब, जैसे कि आप लोग मेरे लेफ्ट में देख ही सकते हो। और अभी हम आई गेस ये साउथ कुल्लू पहुँचे, जितना मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं और फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। भाई बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए भाई, जो ब्रेक पे पैर भाई वो देखो ऊपर खारदुंगला का वो टॉप है जितना मेरे को पता है, बर्फ़ पड़ी हुई है गाइस वहाँ पे एंड मज़ा आने वाला है। बस अभी कुछ ही देर में हम लोग भी उस बर्फ़ में होंगे एंड लेट्स सी। तो यार गाइस यहाँ पे जब भी आप लोग ड्राइव वगैरह करते हो देख के चलो, क्योंकि बहुत नैरो रोड्स है, एक गलती आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा मीन बहुत बहुत ज़्यादा। तो गाइस यहाँ से टेम्परेचर एकदम से बदला है, अरे कैमरा भी ढीला हो रहा है, इसको भी करना पड़ेगा टाइट। तो गाइस यहाँ से मजा तो आ रहा भाई, अब कहाँ जा रहे हैं, अब कहाँ है वहाँ है। बर्फ आ गई, बर्फ आ गई, बर्फ आ गई गाइस, बर्फ, बेहतरीन बेहतरीन बर्फ।
बर्फ आ गई तो वही ठंड भी आएगी जो कि आ चुकी है। वो दूर में निकलता है मेरा राहुल भाई जा रहा है, देखा मैंने कहा था ना तीसरे एवरेज आ रही है, 220 किलोमीटर शो कर रहा था, 210 किलोमीटर शो कर रहा था, 220 हो गए। मजाक सट के गाइस, यहाँ भाई पानी वानी पी के डायलॉग्स वगैरह खा के आओ, क्योंकि लिटरली पीछे हम लोग रुके थे ना जगह पे। सो मेरी जो नीज है एंकल है भाई वो ना पेन होने लग गए, बोले बहुत देखो सॉफ्ट यार पहाड़ क्या फाड़ लग रहा है ना, लो फुल एकदम एक नंबर, पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है, मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग वापस नुबरा जाने की सोच रहे हैं, लेट सी यहाँ आगे पहुँच के क्या होता है, पता नहीं कि मतलब नीचे आने लगती है हायर ऑल्टीट्यूड में होता हुआ है कुछ। देख लो वापस कोई कॉपी ग्लव्स में वापस लौट चुका हूँ, क्योंकि एक ग्लव्स तो खो ही गई हो, पर अब मैं वापस इतना दूर जाके ले क्या उतनी जानना है भाई, वहाँ पे जाना वाला सिर्फ ग्लव्स ही नहीं लेना साथ में, पेट्रोल खर्च होगा वो भी भरा के आओ और टाइम लगा के आओ भाई, ये कच्चा रास्ता है। शीशा खोला जाए वैसे पहले वो बड़ खावड़ तक खत्म हो, बहुत तगड़ा लग रहा है यार। बर्फ का पानी तो ये स्कूटी वाले आ गए हमारे दोस्त लोग, बाय 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 बाय, राइट से भाइयों। सो ये लोग जा रहे हैं पैंगोंग और हम लोग जाएंगे नुबरा। इन लोग को देखो ये स्कूटी से हैं, के टू के कर रहे केरला टू कश्मीर। भाई बर्फ ऐसी लग रही है यार, बर्फ देख भाई कैसी लग रही है ना, चमक रही है एकदम। तो आई गेस सब लोग पहुंचने वाले, झंडे झंडे आ गए हैं,
ओ भाई अलग सी वाई वारी, अलग सी वाई वारी, बहुत बहुत अलग वाई वारी भाई। और लग रहा हम पहुंच गए, हाँ ये हम पहुंच गए, ओ भाई पहुंच गए। सो हम आ गए खारदुंगला, वो ये भाई मुबारक हो पहुंच गए। हम पहुंच चुके थे खारदुंगला, यहाँ सब लोगों ने अपने अपने स्टिकर्स लगा रखे हैं और खारदुंगला आ रखे हैं भाई, काफ़ी ऊपर है ये और सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, हमारे ग्रुप वाले भी सब फोटो में लगे हुए हैं। और जल्दी यहाँ से निकलेंगे और आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। तो गाइस खारदुंगला से हम लोग आ चुके हैं, बर्फ चेकआउट करो गाइस। अभी मैंने जस्ट अपने यहाँ पे नाम लिखा अर्बन, ओहो सांस चढ़ रही है, पर ये बर्फ़ देख के ना रहा नहीं जा रहा था रुकना और कुछ करना। सो अभी हम लोग रुक गए एंड थोड़ी देर के लिए मेरी मोटो ब्लॉगिंग बंद रहेगी, एटलीस्ट जब तक हम लोग कुछ खा नहीं लेते, क्योंकि फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही है काफ़ी। हायर एल्टीट्यूड के अंदर ये वाली दिक्कत आती ज़रूर है। सो फिलहाल आगे चलते एंड ये नज़ारा अच्छा था तो मैं सोचा आपको भी दिखाऊंगा। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं नॉर्थ कुल्लू में, वो भाई खारदुंगला में इतना नहीं लगा जितना यहाँ लगा। वैसे खारदुंगला में थोड़ी देर ज़्यादा रुक गए फोटो वीडियो बनाने के चक्कर, जैसे सबको ना ठंड लगने लग गई है। अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी हम लोग ऐसी एक टपरी टाइप छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने थे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ खाने वाने रुके हुए, हम लोग सुबह से ऐसे ही घूम रहे बिना कुछ खाए हुए, बस कॉफ़ी पी थी जब से रुकी थी। सो यहाँ पे एक बेस कैंप टाइप है एंड भाई सांस फूल रही है मोटा भाई, तो ठीक है। आवाज़ का पता नहीं पर भाई तुम व्यू चेक कर लो, हम लोग एंटर कर चुके हैं नूबरा इस टाइम भाई, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का, बहुत ही प्यारा। अब जाके बड़ी देर बाद जाके हमें रोड ऐसी मिली, वरना रोड ऐसी थी ऐसी ऐसी। आगे नूबरा में दिखाऊंगा, बैटरी इसकी भी लो हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं, कॉल देख लो मैं क्या हो रहा है।